अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ घर में बहुत ही टेस्टी नमक वाले बदाना इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। चलें जी इसे मिलके बनाते हैं। देखें जी, बदाना बनाने के लिए 1 कप के जितना मैंने बेसन ले लिया है और इसको छानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम इसको छानेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूंगी मैदे का और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी बेकिंग पाउडर का। ये सारी चीजें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह छान लेंगे। यहाँ पे देखें जी, तीनों चीजों को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और बैठ लेंगे 2 से 3 मिनट लगा के। चाशनी के लिए 1 प्याली जितनी मैंने ले ली है चीनी, 1 प्याली मैंने चीनी की डाल दी है, 1 प्याली इसमें मैं पानी की डाल दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी हल्की आग पे। इसकी हमने 1 चिपचिपी सी जो चाशनी है वो तैयार करनी है। यहाँ पे देखें जी, कलरफुल सी बूंदी बनाने के लिए जैसे कि हम बाजार से लेके आते हैं, 1 टेबल स्पून मैं इस बाउल में डाल दूंगी, थोड़ा सा और डाल देती हूँ 1.5 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून ही इसमें डाल देती हूँ। इसमें मैंने डाल दिया है 1 चुटकी के करीब ग्रीन फूड कलर और दूसरे बैटर में मैं डाल दूंगी 1 चुटकी के करीब रेड फूड कलर। ये दोनों कलर डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे देखें जी, बूंदी के 3 जो कलर हैं वो तैयार हो गए। ये है चावलों वाला चम्मच। बाहर वो लोग जो बूंदी बनाते हैं उनके पास स्पेशल टूल्स होते हैं, जितने बड़े सुराख होंगे उतनी बड़ी हमारी बूंदियां बनेगी। सबसे पहले मैं इसको लगाऊंगी कुकिंग ऑयल, फिर हम बनाते हैं। यहाँ पे देखें जी, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा इसमें एक ड्रॉप गिरा के देखूंगी, जब ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा तब हम इसकी बूंदियां बनाएंगे। यहाँ पे देखें जी, मैंने चेक करने के लिए जो बूंदी डाली थी वो तैर के आना ऊपर शुरू हो गई है, मतलब हमारा जो ऑयल है वो तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये पहले छन्ना रखूंगी जिसके साथ हम चावल बनाते हैं या चम्मच कह लें जो भी कह लें, और अब इसके ऊपर ये जो मैंने बैटर बना के रखा हुआ था ये डाल देंगे और इसको ऐसे हम हिलाते जाएंगे थोड़ा सा ऐसे चम्मच से। जितनी दफा हमने बूंदी बनानी उतनी दफा इस स्टैंड को मैं धो लूंगी ताकि इसके ऊपर चिपके ना। अब ये इसके ऊपर डाल देती हूँ और हाथ अच्छी तरह से फेर दूंगी। चाश हमारी तैयार होगी, इसके अंदर मैं 1 लेमन निचोड़ दूंगी ताकि इसकी चाशनी के अंदर जो है वो क्रिस्टल ना बने। इसके अंदर ये कलरफुल सी मैं बूंदियां डाल दूंगी, मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद इसको ढक के रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए ताकि सारी जो चाशनी है वो इसके अंदर अब्जर्व हो जाए। और इसको मैं कवर करके एक साइड पे रखती हूँ। अब हम नमक पारे बनाते हैं। लेकिन जी, नमक पारे बनाने के लिए 1 कप के जितना मैंने मैदा ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा जीरा। जीरा इसमें ज्यादा रहता है, मजे का लगता है। और इसके साथ ही मैं अजवाइन डाल दूंगी 1 चुटकी के करीब। अजवाइन चली जाएगी। इन सारी चीजों को पहले हमने कर लेना है अच्छी तरह मिक्स। और अब यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भर के घी का। इसमें ऑयल नहीं जाएगा, घी नहीं जाएगा, ये इसमें चला जाएगा। इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे और रूम टेम्परेचर पे मैं ले लूंगी पानी और इसकी हम वैसी डो बनाएंगे जैसी कि समोसों के लिए बनाते हैं, सख्त सी इसकी मैं डो बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ डो है। इसको मैं कवर करके 1 घंटे के लिए एक साइड पर रख दूंगी ताकि हमारी जो डो है वो सेट है जो, फिर 1 घंटे के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, मैंने थोड़ा सा मैदा काउंटर पे छिड़का लिया है और ये जो मैंने पेड़ा बना के रखा था इसकी एक हम दरमियानी सी रोटी बेल लेंगे, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। यहाँ पे देखें जी, पतली सी मैंने उसकी रोटी बेल ली है। अब हम इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे, जो भी आपको साइज पसंद हो आप उसकी रख सकते हैं कटिंग। और यहाँ पे देखें जी, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस साइड से इसको फिर मैं टेढ़ा काटना शुरू कर दूंगी ताकि नमक पारों की जो शेप है वो आ जाए। ये देखें ऐसे, ये सारे देखें
आप इसे पिज्जा कटर से काट लें, छुरी के साथ काट लें, आसानी से ये कट जाते हैं। कि इसकी शेप नमक पारों की बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको फ्राई करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसकी जो फ्राइंग का टाइम है ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट है। फ्लेम मैंने यहाँ पे दरमियानी रखी हुई है, ज्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे वरना ये फौरन ऊपर से जल जाएंगे। और यहाँ पे देखें जी, इक्वल इसमें ऐसे चम्मच हिलाते रहना ताकि इस पे एक ही तरह का कलर आए। और यहाँ पे देखें जी, नमक पारों के ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ गया है, जैसे कि हम बाजार से लेके आते हैं। ऑयल इसका हम अच्छी तरह निचोड़ लेते हैं। इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ, बाकी की मैं इसी तरह बनाती जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, बहुत ही टेस्टी हमारे घर में बदाना और नमक पारे बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे मेरे तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।